दाहौड़ में अधीक्षक साजिद के खिलाफ रची गई थी साजिश। खंड शिक्षा अधिकारी खतौली ने बीएसओ को सौंपी जांच आख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं अधीक्षक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। यहाँ पर बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। दाहौड़ में अधीक्षक साजिद के खिलाफ रची गई थी साजिश। एक बड़ा समाचार हमने कुछ समय पहले अधीक्षक न्यूज के साथ शेयर किया था वीडियो, जिसमें बताया गया था, आरोप लगा था अधीक्षक मुजफ्फरनगर के, शिकायत की गई उनके खिलाफ कि वो स्कूल विद्यालय में आया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय दाहौड़ के अधीक्षक खंड शिक्षा अधिकारी खतौली की जांच में निर्दोष पाए गए हैं। वीओ पंकज अग्रवाल ने बीएसए सुलभ शुक्ला को जांच आख्या रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके माध्यम से बीएसए अब अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अधीक्षक का स्कूल बदल दिया जाएगा। स्कूल के अधीक्षक साजिद शैफी पर हिंदू बच्चों पर नमाज पढ़वाने का दबाव बनाने व एक छात्र की विशेष समुदाय के बच्चे से पिटाई कराने का आरोप लगा था। इस मामले में बीएसए ने वीओ को जांच सौंप दी थी, जिसकी आख्या रिपोर्ट वीओ ने बृहस्पतिवार को बीएसए को दे दी। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सुलभ शुक्ला ने बताया कि वीओ की जाँच में बच्चों से नमाज पढ़वाने का दबाव बनाने व पिटाई करवाने का मामला झूठा पाया गया है। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला साजिश के आधार पर बनाया गया था। बीएसए ने कहा, जांच आख्या रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाध्यापक चंद्रकांत को भी स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया जाएगा, साथ ही अधीक्षक साजिद का अन्य विद्यालय में स्थानांतरण भी कर दिया जाएगा। पूरे विद्यालय में केवल 15 मुस्लिम बच्चे अध्ययनरत हैं। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी शुभ शुक्ला ने बताया कि अधीक्षक पर लगाए गए आरोप रंजिशन हैं। पूरे विद्यालय में मुस्लिम बच्चों की संख्या केवल 15 है, जबकि अन्य सभी बच्चे हिंदू हैं। ऐसे में नमाज पढ़वाने का दबाव बनाने का आरोप झूठा है। तो आपने देखा साथियों, किस तरीके से अधीक्षकों के साथ ये साजिशें रची जा रही हैं, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए। विभिन्न तरह के उत्तर प्रदेश से कई जगह से समाचार आते हैं अधीक्षकों के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, लेकिन जांच होती है तो उसमें अधीक्षक निर्दोष पाए जाते हैं। अब तक जितने मामले हुए हैं, उन सभी मामलों में अधिकतर अधीक्षक निर्दोष पाए गए हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, आपके किसी भी कार्य से ऐसा ना हो कि आप वो समाज के विरोध में या असामाजिक तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार 11 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी करेंगे बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक जो काम करते हैं लोग, वो फिर इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते। और फिर आदर्श समाज के आदर्श शिक्षक हैं आप समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, ऐसा तो अधीक्षक नहीं कर सकते हैं। फिर भी अधीक्षक न्यूज़ आप सभी को आगाह करता है, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को महफूज रखिए। आप देख रहे थे अधीक्षक न्यूज़, जो कि है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अधीक्षक न्यूज़ को शेयर करते रहिए। अधीक्षक न्यूज़ को आप सभी के प्यार आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। अधीक्षक न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों से कहिए कि आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। जब आप खुद अपनी आवाज़ को लोगों तक शेयर करेंगे, जन जन तक पहुँचाएँगे, तभी आपको जान पाएंगे देश और दुनिया में कि हाँ, अधीक्षक शिक्षक नाम के भी कोई व्यक्ति होते हैं, जो कि मात्र 300 रुपये पर डे के हिसाब से शिक्षण कार्य आज के दौर में, आज की इस बड़ी महंगाई में, आज की इस भयंकर महंगाई में वो कार्य कर रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काट रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। हाँ, यहाँ तक कि वो जीत भी चुके हैं 90% अपनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में बाकी है उनके हक में फैसला सुनाए जाने का। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।